गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू बीबीएन ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज योर रिवीजन क्लास फॉर फोर्स एंड प्रेशर, जो अपना ओरल टेस्ट में चैप्टर है फोर्स एंड प्रेशर, उसकी अपन रिवीजन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर अपन पहले फोर्स के बारे में पढ़ेंगे कि फोर्स क्या है। फोर्स एक सिंपल सी डेफिनेशन है, मतलब मैंने बताया था कि जब किसी ऑब्जेक्ट को अपन धक्का देते हैं, मतलब अपन ने उसको पुश किया, या किसी ऑब्जेक्ट को अपन खींच रहे हैं मतलब पुल किया, तो अपन ऑब्जेक्ट पे दो एक्टिविटी कर रहे हैं, है ना, पुश कर रहे हैं और पुल कर रहे हैं, इसी को अपन क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, ये अपना ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको अपन पुश कर रहे हैं, तो पुश करने से इसकी जो स्टेट है, अभी ये ए पोजीशन पे है, मतलब इस पोजीशन पे है, तो पुश करने से ये इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, है ना। तो मैंने इस पे पुश किया, या अपन इसको पुल भी तो कर सकते हैं, है ना। तो अपन इसके ऊपर दो एक्टिविटी लगी, मतलब इसको पुश किया और पुल किया, इसी को अपन बोलते हैं फोर्स। फोर्स क्या है? फोर्स कैन बी डिफाइंड एज पुश और पुल बाय एन ऑब्जेक्ट और अनदर ऑब्जेक्ट। कि फोर्स क्या है, किसी ऑब्जेक्ट पर अपन धक्का लगाते हैं या उसको खींचते हैं, मतलब उसको अपन ने पुश किया या पुल किया, इसी को अपन क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं, जिससे इसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। जब मैं किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाऊंगा बेटा, तो उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, है ना। जब किसी ऑब्जेक्ट पे मैंने पुश लगाया, किसी ऑब्जेक्ट को पुश किया या पुल किया, तो उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं, ठीक है। दूसरे इसमें ये पूछा जा सकता है कि फोर्स की एसआई यूनिट क्या है। तो फोर्स है, फोर्स उसकी एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट तो मैंने बताया था, उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन। क्या होती है? न्यूटन, जिसको अपन कैपिटल एन से लिखते हैं। तो इसकी ये कौन सी यूनिट है, एसआई यूनिट। तो फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन, जिसको अपन कैपिटल एन से लिखते हैं, ठीक है। फिर फोर्स को अपन दो क्लास में डिवाइड किया था, एक तो होता है कॉन्टेक्ट फोर्स, दूसरा होता है नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। कॉन्टेक्ट फोर्स क्या होता है, कि किसी ऑब्जेक्ट के डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कॉन्टेक्ट में आके अपन फोर्स लगाते हैं, है ना, उसी को अपन कॉन्टेक्ट फोर्स बोलते हैं। फोर्स विच एक्ट बिटवीन टू बॉडीज इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज कॉल्ड कॉन्टेक्ट। कि दो बॉडी के बीच में फोर्स लगते हैं, है ना, कि उसके कॉन्टेक्ट में आके, मतलब फोर्स विच एक्ट बिटवीन टू बॉडीज इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज कॉल्ड कॉन्टेक्ट, है ना, कॉन्टेक्ट फोर्स। उसको अपन क्या बोलते हैं, कॉन्टेक्ट फोर्स। कि अपन किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाने आते हैं, तो अपन उसके डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कॉन्टेक्ट में आके फोर्स लगा सकते हैं, उसी को अपन बोलते हैं कॉन्टेक्ट फोर्स। जैसे कि कॉन्टेक्ट फोर्स दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है मस्कुलर फोर्स, दूसरा होता है फ्रिक्शनल फोर्स। मस्कुलर फोर्स कौन सा होता है, जो अपनी मसल्स फोर्स लगाती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, मस्कुलर फोर्स। और फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, दो सरफेस के बीच में जो फोर्स लगता है, है ना, जो हमेशा मोशन को, ऑब्जेक्ट के मोशन को क्या करता है, अपोज करता है। तो दो सरफेस है, तो दो सरफेस के अपन कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं ना, दो सरफेस एक दूसरे के आ रही है, कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं। और मसल फोर्स मतलब जो अपनी मसल लगाती है, जैसे कि मैंने किसी बुक को उठाया, तो मैं बुक के कॉन्टेक्ट में आया ना, मेरे को बुक को उठाने के लिए मेरे को उसके कॉन्टेक्ट में जाना पड़ेगा, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, कॉन्टेक्ट फोर्स। तो मस्कुलर फोर्स और ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, ये दोनों कौन से फोर्स है, कॉन्टेक्ट फोर्स, क्योंकि एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आना पड़ता है फोर्स लगाने के लिए। जैसे कि मस्कुलर फोर्स क्या होती है, जो मसल्स लगाती है, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है, जो दो सरफेस के बीच में लगता है, जो हमेशा मोशन को अपोज करता है, उसको फ्रिक्शनल फोर्स अपन बोलते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है फ्रिक्शनल फोर्स के ऊपर, ऊपर पूरा चैप्टर पढ़ाया था मैंने आपको, तो फ्रिक्शनल फोर्स की डेफिनेशन आप जरूर पढ़ लेना, ठीक है। फिर होता है नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स क्या होता है, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, फोर्सेस दैट आर एग्जर्टेड विदाउट एनी फिजिकल इंटरेक्शन टू बॉडी। कि दो बॉडी में कोई फिजिकल इंटरेक्शन नहीं है, है ना, कोई मतलब अपन उसके कॉन्टेक्ट में नहीं आ रहे, है ना, कोई बॉडी उसके कॉन्टेक्ट में नहीं आ रही फोर्स लगाने के लिए, कोई बीच में फिजिकल इंटरेक्शन नहीं है, तो ऐसे फोर्स को अपन क्या बोलते हैं, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। कोई बीच में फिजिकल इंटरेक्शन नहीं है, फिर भी फोर्स लगता है, तो ऐसे फोर्स को अपन क्या बोलते हैं, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। तो ये तीन टाइप के होते हैं, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। बताया था कि मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, कि जो मैग्नेट के अंदर जो फोर्स लगता है उसको मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। तो मैग्नेट के अंदर जो फोर्स लगता है वो दूर से तो लगता है, अपन दो मैग्नेट को दूर दूर रख देते हैं, फिर भी दूर दूर रख देते हैं, तो मैग्नेट एक दूसरे को क्या कर लेती है, अट्रैक्ट कर लेती है या रिपेल कर देती है।
तो उनके बीच में कोई फिजिकल इंटरेक्शन थोड़ी है, नहीं है ना। या फिर अपन बोलते हैं कि जो मैग्नेट है, मैग्नेट की जो फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स, वो दो नेचर के होते हैं, वो रिपेल भी कर सकते हैं और अट्रैक्ट भी कर सकते हैं। रिपेल कब कर सकते हैं, जब मैग्नेट के सेम पोल, दो मैग्नेट के सेम पोल के बीच में तो क्या होता है रिपल्सन, और अपोजिट पोल के बीच में क्या होता है अट्रैक्शन। और ये जो फोर्स होता है ना, मैग्नेटिक फोर्स, ये दूर से लगता है ना, दूर से, मतलब एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के कांटेक्ट में आने की कोई जरूरत नहीं है, अगर दूर भी रखी है तो भी ये फोर्स लग सकता है। ऐसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, चार्ज बॉडी के बीच में जो फोर्स लगता है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। ये मैंने डेफिनेशन बताई थी, चार्ज बॉडी के बीच में जो फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चार्ज बॉडी के बीच में तो ये भी दो नेचर के होते हैं, ये भी रिपल्सन नेचर का भी होता है और अट्रैक्शन नेचर का भी होता है, ठीक है। फिर आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। जिस ऑब्जेक्ट के अंदर मास जिसके अंदर है ना, मास जिसके अंदर है उसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ही लगेगा। तो ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगाता है ना, या जो मास है दूसरे मास पे जो फोर्स लगाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये सिर्फ एक नेचर का होता है, कौन से नेचर का, अट्रैक्टिव नेचर का। ये बस अट्रैक्ट कर सकता है, ये रिपेल भी कर सकता है और अट्रैक्ट कर सकता है, ये भी रिपेल कर सकता है और अट्रैक्ट कर सकता है। तो इसके तीन टाइप के फोर्स है, तीनों की डेफिनेशन आपको पढ़नी है। फिर आता है प्रेशर। तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर मैंने बताया था ये किसी सरफेस पर, कोई भी सरफेस है उस पे परपेंडिकुलर फोर्स जो लगता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, प्रेशर। तो इसको अपन डिफाइन कैसे करें, प्रेशर इज डिफाइन एज फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस। मतलब एक पर यूनिट एरिया पे जो फोर्स लग रहा है और डायरेक्शन की तरफ जी फोर्स की परपेंडिकुलर, जो डायरेक्शन होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर, है ना, यूनिट एरिया पर जो फोर्स लगता है उसको अपन प्रेशर बोलते हैं। और फोर्स कैसा होना चाहिए, फोर्स की डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर। तो यूनिट एरिया पे जो फोर्स लगता है उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, प्रेशर बोलते हैं। और जो डायरेक्शन है वो कैसी होनी चाहिए, फोर्स की परपेंडिकुलर। और तो फोर्स, जो प्रेशर का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एफ अपॉन ए, एफ अपॉन ए, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है बेटा, यूनिट उसी को अपन क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो फोर्स पर यूनिट एरिया एग्जर्टेड बाय द वेट ऑफ